बहुत सारी चीजें जो हमें पहले नहीं पता थी और उस सारी चीजों को यहाँ आने के बाद पता चली है कि जैसे बहुत सारे मटेरियल है जो बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं है और उस सारे मटेरियल से हम लोग गणेश जी की बहुत प्यारी प्रतिमा बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ केमिकल्स यूज़ करके या POP यूज़ करके ही सुंदर प्रतिमाएं बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे वैरायटी में मूर्तियाँ प्रदर्शित करी गई हैं और एक-एक मूर्ति का सुंदर सुंदर कलर है और सुंदर सुंदर फीचर्स हैं। POP वाले गणपति ना ला के इको फ्रेंडली गणपति लाए, सो दैट अपनी इंडिया, अपना भारत अच्छा देश बने। बहुत अच्छा है और होना चाहिए, सो दैट बाकी लोग इंस्पायर होके POP ना लेके इको फ्रेंडली गणपति ले। बॉर्डर इंडिया टीवी। कुछ महीने बाद गणपति उत्सव आने वाला है जो पूरा महाराष्ट्र, पूरे भारत देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। लेकिन गणपति उत्सव होने के बाद जब हम विसर्जित करते हैं, कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे पप्पा की जो मूर्ति है वो किस तरह किनारे पे आके लोगों के पैरों के नीचे होती है, गंदी जगह पे होती है। क्या कभी हमने इस पे गौर किया है? हम पप्पा का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और 11 दिन बड़ी धूमधाम से कहते हैं हमारे पप्पा हमारे घर पे हैं, आप भी यही आशीर्वाद दीजिए। लेकिन 11वें दिन बाद उनकी क्या दशा होती है, कभी आप देखने गए हैं क्या? कोई नहीं देखने जाता है, और कोई देखता भी है तो आंखें फेर लेता है, कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि गलती आपकी खुद होती है। जिसको देखते हुए मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने एक पहल की है कि अब से लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जब भी आप गणपति उत्सव मनाइए या नवरात्र उत्सव मनाइए तो इको गणपति आप अपने घर पे लाइए, जो मिट्टी का बना होता है, कागज का बना होता है। जब आप उसी विसर्जन करेंगे तो पानी में घुल जाएगा और अपने भगवान का इस तरह सा विसर्जन करने के बाद कहीं किनारे पे देखने को मूर्ति नहीं मिलेगी। तो आइए बात करते हैं हसमुख गहलोत से कि उनके मन में ये किस तरह का पहल आया और कैसे आया और किस तरह सा लोगों को वो आह्वान करेंगे। सर, बस आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम गणेश उत्सव मनाते हैं, कोशिश ये रहेगी कि लोग इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल गणपति लाए घर में और गणेश उत्सव मनाए। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि लाल माटी यानी रेड सॉइल की गणपति मूर्तियाँ हैं, उस तरफ पेपर की तरफ भी है, शाडू माटी भी है। और इसी तरीके से हमने कोशिश की, एक पहल की है कि लोगों को इस एग्जीबिशन के द्वारा या इस सेमिनार के द्वारा लोगों को हम एक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि कितना हो सके ज़रूरत है आज के जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हमें आज कदम नहीं उठाते हैं तो आप मान के चलो कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ घातक पर्यावरण देने जा रहे हैं। अगर हम घातक पर्यावरण से बचना है तो आज हमें वो कदम उठाना होगा, आपको और हमको मिलके। जिस तरीके से राय जी ने बताया कि विसर्जन के बाद में कोई देखने नहीं जाता है, अपना मुंह घुमा लेता है, और ये हकीकत है कि मूर्तियाँ जब विसर्जन होती है तो हम वो देखने लायक नहीं होती है। और अगर उसका कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो आप और हम है, और आप और हम मिलकर ही हमें कोशिश करनी है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से अनुकूल कर सकते हैं, उसमें आपकी और हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और भागीदारी किस रूप में भी हो सकती है। तो ये पहल है, और ये कदम इसके लिए उठाना ज़रूरी है कि आप मानो, मैं खाली अपने शहर की मीरा भाईंदर शहर की बात करता हूँ तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार सालाना मूर्तियाँ विसर्जित होती है सिर्फ मीरा भाईंदर के अंदर। और बताते दुख हो रहा है कि हर साल दुख इसके लिए हो रहा है कि वो मूर्तियाँ संख्या बढ़ रही है विसर्जन में POP की, तकरीबन तकरीबन 10 से 15%
बढ़ रही है। और आप मान के चलो अगर इसको हम बॉम्बे में काउंटिंग करके लेते हैं तो तकरीबन 15 से 20 लाख मूर्तियां विसर्जित हर साल होती है, उसमें भी 15 से 20% की वृद्धि होती है। अगर ये मान के चलिए इस तरीके से वृद्धि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, तो पूरे देश में किस तरीके से हालात होकर आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देखे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि निसर्ग ने, ईश्वर ने जो हमें दिया है प्यार भरा जीवन कुदरत, उसको हम क्या लौटा सके ये देखिए। ये मत देखिए कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, ये मत देखिए कि कुदरत ने हमें क्या दिया है, ये जरूर देखिए कि हम ईश्वर के चरणों में क्या दे सकते हैं, ये देखिए कि हम कुदरत को फिर से क्या लौटा सकते हैं। उसकी एक छोटी सी एक पहल है, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। एक छोटा सा मेरा सवाल है, पहल बहुत अच्छी की आप, आपको क्या लगता है कितना परसेंट जो है फर्क पड़ेगा लोगों को? अगर यही सोच के हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, आज खुशी हुई बताते हुए कि आप मुझे भी अभी पीछे आपके आने से पहले मुझे पता चला है कि जितने प्रतिशत लोग यहाँ पर आए हुए उन्होंने ज़्यादातर ये माना है कि हाँ, हमें इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियाँ लेनी चाहिए। और बताते हुए बहुत खुशी ये हो रही है कि तकरीबन 20 से 25% ने यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र लिया है, यानी वचन लिया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर हम इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति ही लाएंगे और गणेश उत्सव बनाएंगे। जिससे आपने कहा कि प्रदर्शनी लगी हुई है और महानगर पालिका द्वारा तो उनका सहयोग रहा है, जिस तरीके से आयुक्त महोदय संजय काटकर जी ने हमें ये मुहैया करा के दिया है, और वो भी उन्होंने कहा है कि आपने पहल काफ़ी अच्छी की और इसमें महानगर पालिका जो बेस्ट हो सके वो करके दे सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने हमें हॉल करा के दिया हुआ है, उनका मैं तहे दिल से महानगर पालिका के आयुक्त श्री संजय काटकर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी अधिकारी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और आपके माध्यम से मैं फिलहाल तो आज के इस बाइट में कह रहा हूँ, लेकिन कल ज़रूर एक पत्र लिखूंगा आयुक्त महोदय जी को कि जिस तरीके से आप गणेश उत्सव में हर बार प्रदर्शनी करते हैं और लोगों को पुरस्कार भेंट करते हैं अच्छी अच्छी छवियां से, अच्छे अच्छे गणपति से, तो मैं इस बार पत्र लिखूंगा और ये निवेदन करूंगा आयुक्त महोदय जी को कि आने वाले 2024 गणेश उत्सव के अंदर उन्हीं को पुरस्कार दिया जाए, उन्हीं को सम्मिलित किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो इको फ्रेंडली घर पे गणपति लाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो घरगुति हो। ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से और मैं कल पत्र भी लिखूंगा जरूर। और रही बात जो राय जी ने कहा कि अकेले शुरुआत किए कितने लोगों तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई शुरुआत करने वाला तो चाहिए, शुरुआत मैंने कर ली है, अब आपका साथ, पत्रकारों का साथ और लोगों का साथ कितना हमें मिलता है ये भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करके निवेदन ही कर सकते। एक सवाल लोगों बीच में रहता है ना कि इको गणपति की प्राइस क्या होगी और जो जो गणपति लेके उनकी प्राइस क्या, डिफरेंसेस कितना होगा, क्या लोगों कितना मतलब कहते हैं ना कि कोई छोटी जेब तो ढीली नहीं होगी, एक सवाल। देखो हर ये राय जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, लोगों के दिमाग में हमेशा शंका रहती है और एक प्रश्न रहता है कि इको फ्रेंडली हम गणपति मूर्ति लेने जाए तो मिट्टी की काफ़ी वजनदार रहती है और काफ़ी महंगी रहती है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेपर की भी मूर्तियाँ हैं, शाडू माते की भी है और हल्की भी है, इतनी वजनदार नहीं है। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसके लिए उसकी बढ़ जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई, जो हम कॉमर्स के भाषा में कहते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि बाकी जो मूर्तियाँ हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए कम भाव में मिलती है। मैं यहाँ पे मूर्तिकार भी 2-3 मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि सर अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो हम कॉस्ट कटिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिमांड नहीं आ पाती इसलिए किधर न किधर कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से लोगों की मानसिकता है कि टूट जाती है, फूट जाती है, हल्की रहती है या टिकती नहीं है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्राइस भी कम है, दाम भी कम है, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर श्रद्धा है, विश्वास है, जिस आराध्य देव को हम पूछते हैं उसके लिए ना कॉस्ट देखी जाती है, ना डिमांड देखी जाती है, श्रद्धा प्रेम देखी जाती है। और मुझे आशा है कि आप इस कदम को सहरा बढ़ाओगे और आप भी इको फ्रेंडली गणपति लाओगे, ये आशा करता हूँ। धन्यवाद। एक ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो देखते आ रहे अभी तक बचपन से कि पीओपी मूर्तियाँ उनके ऊपर सर बाहर आता है, तोड़ा जाता है, और मीरा भाईंदर में पहली बार हसमुख जी ने जो पर्यावरण की दृष्टि से ये एग्जीबिशन लगाया है और सब पब्लिक आ रही है, देख रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सब जागरूक होए और पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए इको फ्रेंडली गणेश जी लावे, ये मेरी सबसे विनंती है। और आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि पर्यावरण और हमारे आने वाले कल को देखते हुए आप पर्यावरण से जुड़े और इको फ्रेंडली गणपति लावे। बहुत ही सुंदर कल्पना संकल्पना हसमुख भाई जी ने ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर लाई है। हमारे जो पूर्वज थे ये साड़ू के मट्टी से ये जो संत है ये जो त्यौहार थे ये मतलब मनाते आए हुए, और अभी आप देख रहे हैं कि जूह चौपाटी पे जाओ आप विसर्जन के 2 दिन बाद उधर का परिस्थिति क्या रहता है, आप भाईंदर खाड़ी पे जाके देखिए उधर का परिस्थिति क्या होते है, वो सब देख के बहुत ही मन को दुख होता है। अभी आप देखिए
आने वाले समय में फिर से जो सारे लोग ऐसे अवेयरनेस पना से लोग सारे डाइवर्ट हो जाएंगे साढ़ू की मट्टी की तरफ और फिर से अपन पर्यावरण पूरक गणपति साजरा करेंगे। पहली बात तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा पहल है हसमुख भाई जी ने लिया है और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये पहल लेने के लिए भी एक मतलब लोगों के विचारों को और इस इको फ्रेंडली तक लेके आने के लिए वो बहुत ही बड़ा पहल है। मैं तो बोलता हूँ कि गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ जो भी है माता जी की मूर्ति हो या बंगाली जो उत्सव रहता है उसमें भी सब मूर्ति इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण का बचाव हो और पर्यावरण का बचाव मतलब हम सबका। जैसे कि अभी अपन अपना होली में पहला केमिकल वाले कलर से अपन होली खेलते थे, बाद में अपने में अवेयरनेस आ गया कि अपन पर्यावरण पूरक जो आरारोट वाला जो कलर रहता है उससे ही अपन अभी होली मनाते ज़्यादातर लोग। वैसे ही अगर अपन अपने खुद के लिए इतना सोच सकते तो भगवान के लिए क्यों नहीं। इसलिए आने वाला समय जो रहेगा सब लोग से विनती है कि आप पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाइए। जो अभी एक मूवी दिखाए वो मूवी में जो अभी प्रैक्टिकल में देखने जावे तो समंदर में जो मूर्ति आज विसर्जित करते उसके हाल देखो बेहाल हो चुके हैं, जिसके लिए मैं नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति ले गए। और आसमी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एग्जीबिशन लगाया और लोगों को जागरूक पहल सुंग भाई ने की है उनका लोगो तेरा तुझको अर्पण, तो इसके अंतर्गत ये बिल्कुल ही जो हमारा वातावरण है धरती माँ है ग्लोबल वार्मिंग है सारी चीज़ों का हल जो है कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही एक अनूठा प्रयास किया है अपनी ओर से कि गणेश उत्सव के अंदर हम देखते हैं पीओपी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती है सार्वजनिक रूप से बोलो या घर के जो गणपति रहते हैं पीओपी के रहते हो जब विसर्जन के लिए जाते हो बराबर विसर्जित नहीं हो पाती है मूर्तियाँ, जिससे हमारे तालाब समंदर दरिया सब प्रदूषित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति की भी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है जो अभी वीडियो में बाहर दिखाया गया आपने भी देखा होगा, तो इससे बिल्कुल ये बहुत सुंदर पहल है। सो पहले ये जो एग्जीबिशन रखा है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पर्यावरण का रास नहीं होना चाहिए। ये पीयूपी के मूर्तियों की वजह से बहुत सारी बाद में उसकी विटंबना होती है मूर्तियों पर भी और पर्यावरण का भी रास होता है। मैं आज इस एग्जीबिशन से सभी मीरा भाईंदर वासियों को यहाँ पे मैं आह्वान करूँ। ये जो यहाँ पे रखा गया है आज का प्रोग्राम ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ताकि सब जागरूक हो कि जो भी लाए मतलब ये कैसे कुछ लोग नहीं लाते कि मिट्टी की है थोड़ी महंगी पड़ेगी पीओपी की थोड़ी सस्ती पड़ती है, बट उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से ये सीखा कि कम से कम जो नहीं ला रहे, जैसे मैं दूसरों को बोल तो सकती हूँ कि ऐसे लेके आओ ताकि पर्यावरण पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कम से 10-15 साल पहले चौपाटी पे गई थी मैं, तो वहाँ मैंने देखा गणपति जी की इधर मुंडी पड़ी हुई है इधर हाथ पड़ा, उस टाइम के बाद से ना मुझे गणपति जी का इतना बुरा लगा ना कि हमारे तो खैर औकात भी नहीं कि हम पूर्व का विसर्जन कर सके, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति की वजह से एक खास चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप इसको जैसे फूल झाड़ में भी इनके अंदर बीज वगैरह डाले जाते हैं आप कुंडी में इनका विसर्जन करके अच्छे से फूल आ जाते हैं, मतलब वो यादगार यादगार रह जाता है कि हमने फर्स्ट टाइम लाया था सेकंड टाइम गणपति एक गणपति की हमारी अच्छी सी गिनती हो जाती है ये भी लाया था हमने गणपति ये भी, मतलब गणपति किसको भी दिखा सकती हूँ मैं कि देखिए हमारे फर्स्ट गणपति है सेकेंड गणपति है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो केमिकल जो दूसरी गणपति होती है केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से और जो हेल्थ के लिए सबके लिए खराब है जो उसके अंदर जो जानवर होते हैं केमिकल वजह से जो समुद्र के अंदर जो तालाब के अंदर जो केमिकल होते हैं उसकी वजह से काफ़ी पक्षी जानवर मरते हैं मछलियाँ मर जाती हैं और इंसानों को भी जो जाते हैं उनको भी उसकी हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। इससे एक चीज़ का सबसे अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये गणपति आप लाओ और तुरंत सुरक्षित हो जाते हैं लाना चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है और ये अच्छा होता है। अच्छा है, काफी फुल एंड नॉलेजेबल है, काफी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।